एक इंसान मिलेगा नवाबगंज का। नन्हे भैया क्या जगह मत छोड़ियो कोई चले। नागेशम दारू का वर्णन करके इसका पुराणों में वर्णन आता है, नागेशम शंकर जी को कहा जाता है और दारू संस्कृत में देवदार को कहा जाता है। यहाँ पे 3 किलोमीटर की परिधि में पूरा देवदार का ही जंगल है तो इसलिए दारू का वर्णन कहा जाता है। पुराणों में इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है, जो 8वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और जो है यहाँ पे कई पूजाएं की जाती है। आजकल सावन माह में यहाँ पे पार्थिव पूजा का विशेष और एक चीज़ और कि यहाँ पे ना नेटवर्क बिल्कुल है नहीं, नेटवर्क का बहुत इशू है। मैं ये बुलबुल के साथ चागेश्वर मंदिर से समथिंग 3-4 किलोमीटर दूर वीडियो अपलोड करने आया हूँ। बिल्कुल अन्नू बैठा है नाराज क्योंकि उसके फोटो नहीं खिंच पा रहे हैं। सर रहने यार, रहने भाई रहने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और ये चेक करें आप आज का ब्लॉग सीधे जागेश्वर धाम से, क्या वाइब है भाई, ये चेक करो। सोचो इन वादियों में आप कितने भी थक जाओगे और वो जहाँ तक ये जूम हो पा रहा है वहाँ मंदिर है। बस हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम लेट आ पाए थे क्योंकि हम बाइक से आए थे तो इस करके लेट हो गए हैं। ये बढ़िया हम रुके थे यहाँ पे बर्मा रेस्टोरेंट रामपुर यूपी वालों के बिल्कुल सामने वाले में। भाई बहुत सुकून है, ठंड तो है ही बराबर भाई, इतनी मोटा पूरा गद्दा ओढ़ा था तुम्हारे भाई ने तब कहीं जाकर ठंड रोकी है। और एक चीज़ और, जो लोग भाई ना बाइक से आ रहे हो ना वो राइडिंग गियर वगैरह इस्तेमाल करना यार। ये देखो मेरे ना इंजर्ड हो रखा है अंगूठा, मैं हल्के में ले गया, मैं स्प्लेंडर से आया तो मैं हल्के में ले गया, इस चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मेरे ये लग गया है बहुत ज़्यादा और मेरे को पेन हो रहा है, इंजर्ड हो रखा है। इधर से शायद अभी चला ले तो ठीक है, ना तो फिर मुझे चलानी पड़ेगी तो कंडम हो जाएगा फिर। तो अगर कोई भी स्प्लेंडर है भाई, कोई किसी भी बाइक से आ रहे हो भाई, हल्के में मत लेना, काफ़ी दूर है तो नवाबगंज से 220 किलोमीटर, लेकिन लगेगा ज़्यादा यार। हम कल 1 बजे निकले थे तो हम शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक आ पाए हैं यहाँ पर और हमने कंटिन्यू बाइक चलाई है। समतल रोड पर नीचे तो चल जाएगी, ऊपर वही चलती है 20-30, 20-30, 20-30, चाहे एक्सीलेटर फुल कर दिया हूँ अपने तब भी 20-30 ही चल पाएगी। तो भाई इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना और अपना आओ आराम से रहो। बाकी हम थोड़ा खाना पीने खाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे शाम को, तो हम थोड़ा सा लेट हैं, बाकी रेडी होते हैं और आज आपको बताएंगे मंदिर के बारे में, पूरा चेकआउट करेंगे और एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना और हो जाते हैं रेडी फटाफट से, मैं कल वाले ही कपड़े पहनो, मैं ऐसे ही सो गया तो थक गया था गाड़ी चलाते चलाते, तो फटाफट से हो जाते हैं रेडी और फिर रेडी होकर आपको मिलते हैं। तो चल एक इंसान मिलेगा नवाबगंज का। नन्हे भैया क्या जगह मत छोड़ियो कोई चले। और कहा बाकी के नन्हे भैया मिल गए हमारे नवाबगंज की जान मान शान। सामान भी सब बिखरा ही पड़ा है, सो रहा है भाई साहब, इतने मोटे मोटे गद्दे दिए थे सोचो तब कहीं जाके ठंड रुकी, इतनी ठंड है सुबह शाम। बाहर का व्यू चेक करा देता हूँ आप लोगों के लिए, स्टाफ को बनना
ये चेक करें आप और उसके बाद में ये चेक कराते हैं वो। नन्ने भैया आ रहे अपने स्टाफ के साथ। नन्ने भैया, नन्ने भैया चलो मंदिर हो जाए, मंदिर हो जाए। नन्ने भैया कई जगह पर छोड़ियो आपके साथ जा रहे। और एक चीज़ और कि यहाँ पे ना नेटवर्क बिल्कुल है नहीं, नेटवर्क का बहुत इशू है। मैं ये बुलबुल के साथ चागेश्वर मंदिर से समथिंग 3-4 किलोमीटर दूर वीडियो अपलोड करने आया हूँ। बिल्कुल भी देखो दिख रहा होगा, जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा रंगोली कैफे कितनी दूर है। मैंने बाइक उठाई, ऐसे जूते पहने उल्टे सीधे और भाग आया हूँ तुरंत। मैं कहा भाई वीडियो तो अपलोड करनी करनी है। और एक चीज़ और बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये नवाबगंज की पहली स्प्लेंडर हो, आई होप, जो यहाँ तक आई है। और तुम्हारा भाई ले गया, मैं बहुत दिन से दोस्त कह रहे थे कि भाई उससे चल ले, कार से चल ले, ये वो रैंडम करना, नहीं बाइक से जाना है जो अपने पास होगी उस टाइम पे कंडीशन में। और वही चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ भाई, केदारनाथ भी उस टाइम पर अगर मेरे पास सही बाइक होगी तो ठीक है, नहीं तो बोल जिंदाबाद, मांगूंगा नहीं किसी से। बंदे इतनी इस बात पे ना अपनी औकात दिखा जा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं भाई उस टीम का रखूँगा। बाकी आज का वीडियो एंजॉय करो। चल हियर इज बुलबुल, और जहाँ पे रुका था वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहे। मैंने सोचा वहाँ पे वीडियो अपलोड कर लूँगा, हो ही नहीं पाई वहाँ पे भी। जहाँ ये पार्किंग होती है ना, जो लोग आ रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कितनी दूर है। यहाँ पे आके मैं बस आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने आया हूँ, बस वीडियो अपलोड हो जाए दैन फिर मैं नहाऊँगा तुरंत मंदिर में दर्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे फिर घूमते रानीखेत के रूट से या फिर इधर से ही वापस होंगे। अभी फटाफट से वीडियो अपलोड हो जाए फिर चलते हैं रूम पे और करते रेडी। नेट का तो भाई इशू है भाई, नेट के चक्कर में मत आना भाई। सो फाइनली दोस्तों वीडियो हो गई है अपलोड, जब तक ये वीडियो आएगी वो वीडियो आ चुकी होगी। कांड हो गया हमारे साथ आते टाइम, आपने देखा होगा वीडियो में। और बाकी अकेले ही आओ भाई वीडियो अपलोड करने बुलबुल के साथ, तो ये चेक करें आप ये हंसी वादियां। भाई साहब ठंडा हो रहा बहुत पेल के, ओ भैया आराम से चला यार। पहले मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, भैया ने बताया कि उधर चले जा भाई, उधर चलेगा, उधर नेटवर्क आ रहे थे। मौसम भाई बहुत ठंडा हो रहा भाई, UP 25। ये हंसी वादियां, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑन माय लास्ट वीडियो। एंड इन वादियों में भाई बुलबुल के साथ, अबे यार रात को तो डर लग रहा था इधर देखते हुए भी, भाई कुछ कांड ना हो जाए हमारे साथ, समझ रहे हो। एक ही मंदिर पड़ेगा मेरे पीछे, आप लोग देखना। अरे सो फाइनली अब जाके कहीं वीडियो लाइव हुई है तो सब लोग जाके थोड़ा सा प्यार देना लाइक कमेंट शेयर के थ्रू। और बाकी हम लोग होते हैं कोई कपड़े पहने भी, हम लोग होते हैं फटाफट से रेडी और फिर आपको मंदिर में चल के मिलते हैं। चलो ओके, तो नहा के हो गए फुल पावर रेडी और फटाफट से अन्नु को उठा लें और फिर चलते हैं मंदिर, आपको सब कुछ दिखाते हैं, मंदिर की हिस्ट्री और बाकी लोग बाकी व्यू। अभी थोड़ा सा मैं ये चेक करा देता हूँ आपको, ये चेक करें आप ये। एंड हियर इज बुलबुल, बेचारी रात भर खड़ी रही। चलते रूम में फटाफट दिखाते हैं अनु क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आई रेडी हो गया मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ जल्दी ऊपर जाके चाबी लगा के हो गए चले।
तू नीचे जा रहे सीधे सीधे, एक बार मैं बस ताला मार के आ रहा हूँ। सामान भी सब बिखरा पड़ा है, फोन चार्जिंग पे लगा दिया, इसको छोड़ गए यहीं पे, और टाइम हो लिया बहुत ज़्यादा, सब रेडी वैसे पड़ा। इतना सही भाई, कंफर्टेबल रूम था, बढ़िया मज़ा आया। अभी चलते हैं मंदिर और वहाँ चल के दिखाते हैं आपको, उसके बाद मिलते हैं। ओके, फुल पावर रेडी दोनों भाई, वाइट वाइट कॉम्बिनेशन। कैसा फील कर रहा भाई? ठंडक बहुत है। खाना कैसा था उनका भैया का? खाना बहुत टेस्टी था, मजा आया। मजा आ गया भाई, 160 मार के लेगा। खाना बढ़िया था, 160 का था, मजा आया। बजट में था अप्रोक्स, मजा आया। देख रही है पीछे, कह रही साले चूतिया क्या कर रहे हैं। साले भैया हंस रहे, कह रहे क्या कर रहे हो? एक मिनट में हाँ बस मंदिर। ये सावन में ही लगता है बता रहे भैया, मेला अपनी वाली शॉप को उधर थी उनकी जान पहचान वाली। ये भाई ऐसी जगहों पे रह रहा, बहुत मजेदार चीज। ये तो दिखा दे, वो सामने पहुंचने वाले हैं, वो वहां बैठे हैं हमारे महाराज महादेव। क्या चीज? देव के देव महादेव, जय भोले की। भंडारा भी नहीं, वहां भंडारा उत्पन्न होने वाला, चले जाओ। अभी नहीं होगा यार भंडारा, मैं तो चखने को था प्रसाद, पर किसी वजह से इस बार भंडारा नहीं हो पा रहा है। प्रसाद वरसाद लेने बस कुछ ही छड़ों में बाबा की शरण में है भी अन्नू, बाबा की दर्शन दर्शन होने वाले हैं। बाबा की शरण में तो आई है भाई, अब से हैं। कितना एक्साइटेड थे पता, कितना लेट हो गया अपन लोग आते आते हुए। भाई ये अच्छा है कि बाइक के यहाँ तक ले आओ, अभी लास्ट टाइम ना जाते जाते ना बुलबुल के यहाँ पे मत्था टिकवा के लेके जाएंगे। एक्सक्यूज मी अन्नू 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 अन्नू, लेट्स गो। बस पहुँचने वाले कुछ ही क्षणों में भाई। ये वादियाँ और ये बाबा का दरबार, बस पहुँच ये बाबा का दरबार भाई, फाइनली बाबा के दरबार में। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। लाइन लग रही है भाई, अभी उधर से आ रहे थे, उधर से आ रहे। बात नहीं लगी बाबा क्या। सो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम लोग, कुछ हवन हो रहे हैं, कुछ हवन हो रहे हैं, पूजा करवाई है लोगों ने, जैसे जैसे सब छोटे छोटे बनते। ये सच है, भी कुछ लोग यहाँ पे, बाकी पूजा हो रही है, जिन जिन लोगों ने अपनी बोल रखी होगी पूजा, वो लोग अपनी पूजा करवा रहे हैं सब लोग। भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ आप लोग, वहाँ बैठे हैं हमारे महाराज। आ जा, जय भोले की। भाई जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जरूर आओ एक बार, और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है और इसका उल्लेख किसी भी वेद और पुराण में नहीं है। तो जब से सृष्टि है तब से ये मंदिर है। एक भैया थे उन्होंने बताया कि मिनिमम 5000 साल पुराना मंदिर है, वही थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, मतलब ऐसा कन्फर्म नहीं, उससे भी पहले का इस वर्णन या इसका उल्लेख किसी भी वेद और पुराण में नहीं है। तो समझ रहे हो, जब से धरती है
तब से ये मंदिर है, तब से ये शिवलिंग है। और हम पहुंच गए कुछ इस तरह की जगह पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई लोग, एंड फाइनली वी रीच्ड जागेश्वर धाम उत्तराखंड, दुनिया का सबसे पुराना प्राचीनतम मंदिर। वहाँ बैठे हैं महाराज, यहाँ कुछ पूजा हो रही है, लोगों ने बोल रखी है अपनी। ये दिखाते हैं आपको, चेक करो। और ये सारी पूजा बोल के आए होंगे सब लोग, इन लोगों ने बोल रखी होगी। ये लोग जो क्या ये रहा मेन, पीने के लिए ठंडा और शुद्ध पानी भी है। और ये भाई साहब लोकेशन मेरा भाई, जय बोले की लाइन लगी बाबा के मेन मंदिर पे, लोग पूजा जिन्हें बोल रखी अपनी पूजा करवा रहे। बाकी वहाँ बैठे हैं हमारे महाराज, महाराज के साथ साथ ये चेक करें आप भाई, संगमरमर से भी ज़्यादा पुराना पत्थर। इन वादियों में इधर भी वही फैमिली पूजा लोग करा रहे हैं अपनी, जिसको भी पूजा भी करा रहे ना हो रहा है, बल्कि वही फैमिली पूजा है हो रही है, अपने लोग करा रहे हैं जो भी अपना फैमिली से, जो अपना बोल के आए होंगे लोग वहाँ से। इन वादियों के बीच में बैठे हैं बाबा जागेश्वरनाथ। अन्नु क्या करवा रहे, अन्नु क्या करवा रहे, अन्नु यहाँ पे लेप करा रहा मेरा भाई, करवा ले करवा ले, तो अच्छी चीज है। हाँ अन्नू जय भगवान, जो पाठ इतना कही रहे थे जो करना था ना बस क्या जय भोले की। आप लग रहे हैं अपने लोग दोनों भाई, चंदन का लेप करवाने के बाद कितनी प्योर, क्या भाई है भैया, अनु यार लगते ही भाई अलग ही खुशी मिल रही है। तो भाई जो भी था अपने श्रद्धा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब जो भी पंडित जी, पहली बात तो वो लोग पैसे मांगते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि
और बाकी अपनी जितनी भी श्रद्धा है, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए जितना जितनी आपकी श्रद्धा है, 1,000 10,000 जितना भी दो, वो मना नहीं करेंगे, मतलब जितना भी आप दोगे, लेकिन आपकी जो श्रद्धा है वो दे दोगे तो वो रख भी लेंगे। और कैसे लग रहे हैं हम दोनों भाई, वाइट वाइट बाहर लग रहे हैं भाई, ये मन ये चेक करें आप, हर 2 मिनट बाद जो बंदे कहते हैं भाई फ़ोटो ले ले, मुझे बहुत नफरत है उनसे भाई। मोमेंट को एंजॉय करो, वीडियो बनाओ, लोगों को दिखाओ, ये चीज़ मुझे पसंद है, वही मैं कर रहा हूँ अपने साथ साथ, कुछ भी देख रहा हूँ, बढ़िया रहा है। वो अनु बैठा है नाराज क्योंकि उसके फ़ोटो नहीं खिंच पा रहे हैं। सर रहन दे यार, रहन दे भाई। तो फाइनली जोगेश्वर बाबा के बारे में थोड़ा भैया से जानेंगे, भैया बता दो। ये जागेश्वर जी का मंदिर है, यहाँ पे जो है शंकर जी का मंदिर है, आजवा ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वम दारू का बनी करके इसका पुराणों में वर्णन आता है, नागेश्वम शंकर जी को कहा जाता है, और दारू संस्कृत में देवदार को कहा जाता है। यहाँ पे 3 किलोमीटर की परिधि में पूरा देवदार का ही जंगल है, तो इसलिए दारू का बनी कहा जाता है पुराणों में, इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है, जो 8वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और जो है यहाँ पे कई पूजाएं की जाती हैं, आजकल सावन माह में यहाँ पे आरती पूजा का विशेष महत्व है, जो आप उसी गांव के लोग आते हैं, कुमाऊं के लोग आते हैं हमारे, उनकी हर साल की ये आरती पूजा रहती है यहाँ पे, जो हमेशा करते रहते हैं। भाई समथिंग कितना पुराना है, 7वीं से 8वीं सदी का केवल भारत का स्ट्रक्चर है इसका, जो राजा सातवाहन ने बनाया था पत्थरों में, उससे पहले लकड़ी का था, उसका कुछ प्रमाण नहीं है कि पक्का था कैसे था। और जो है यहाँ पे कुमाऊँ के चंद्रवंशी राजाओं ने, और इन्होंने जो है यहाँ पे पूजा की व्यवस्थाएँ करवाई थी, अंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं, और यहाँ पे जो संग्रहालय है उसमें भी काफ़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं। अगर जैसे ईयर्स में काउंट करेंगे तो मैं एक अराउंड फिगर बताओ कितनी साल पुराना होगा मंदिर। ये मंदिर है आपका बहुत, जो म्यूजियम में यहाँ पे संग्रहालय में मूर्तियाँ हैं वो 2-2, 3-3 शताब्दी की हैं, तो ये मंदिर तभी का होगा। अगर ऐसा कोई अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, स्वयं ज्योतिर्लिंग उस वाले मंदिर में, ये वाले जागेश्वर। अच्छा, मेन ये है ज्योतिर्लिंग वाले में। जी जी, वो महामृत्युंजय जी हैं, वहाँ पे महामृत्युंजय अनुष्ठान किए जाते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है जहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है महामृत्युंजय का। भैया थैंक यू। जैसा कि भैया ने बताया कि 8वां ज्योतिर्लिंग है, तो दोनों भाई फुल पावर रेडी हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। श्री केदारनाथ मंदिर, वो लाइन में से लग के जाएंगे भाई, जब जो नियम है तो नियम है, लाइन में लग के जाएंगे, जब बिल्कुल पीछे हो जाए बाबा के दर्शन करने हैं तो बिल्कुल लाइन में लग के ही आएंगे। ये वादियाँ चेक करो आप लोग, और हम लोग जरा बाबा के जरा दर्शन कर लें लाइन में लग के। और फाइनली हम लोग लग गए लाइन में, और सबसे पीछे हम ही हैं, मुझे दर्शन करने हैं पूरी श्रद्धा भाव से। बाकी लाइन में देख पा रहे हो कितनी लंबी है, वो लाइन में लाइन है, और लंबी लाइन, हम लोग सबसे पीछे मतलब हम ही हैं, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करने हैं दर्शन, और मिलते रहेंगे आपको, बातें बताते रहेंगे, और दर्शन के बाद मिलते हैं आपको। जब हम लाइन में लगे थे बिल्कुल सबसे पीछे थे, अब हमारे पीछे कितने सारे लोग हैं, तो भाई वही बात है, ज़िंदगी में जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। भैया सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। कहाँ से आओ भैया? डेढ़ सौ। भाई ज़िंदगी में जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो, और फुल पावर मचाओ, विश्वास रखो खुद पे, और मेहनत करो पेलम पे, इसलिए हम आज यहाँ पे आ गए। फाइनली कुछ ही देर में बाबा की शरणों में यहाँ आ गए हम लोग, वहाँ से स्टार्ट। बस बाबा के दरबार में 2 मिनट ही नहीं थी। नौ बाबा के नाम से एक्साइटमेंट लेवल है 101%। कोई बात नहीं, कट जाएगा सफर।
दिखाऊं तो जोश। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, घंटियां सुनाई दे रही होंगी आपको। पहुंचने ही वाले हैं मंदिर पे, बस एक दो तो मिनट बाकी। एक्साइटमेंट आप समझो ना, घंटियां हर जगह मंदिर में। बोले कि जय बोले, आपको ये कुछ चेक कराते हैं, ये देखो आप, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इन्हें पढ़ो। ये कुछ कंडीशंस हैं मंदिर के अंदर की, कि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है। देखते हैं अगर कुछ हो पा रहा तो बढ़िया। बाकी मेन मंदिर के गेट के सामने पूजा वगैरह होती, फैमिली पूजा बोलते हैं, जो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आके पूजा करवाते हैं श्रद्धालु। इतने सारे लोग आ चुके और हम पहुंच गए फाइनली मंदिर के गेट पे। बस कुछ ही सेकंड में, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। और पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं आशीर्वाद के लिए आएंगे। जय भोले की। फाइनली बाबा की शरण में, लेकिन बस एक चीज पड़े हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, तो यही तक है। बाकी लास्ट में दिखाते हैं आपको। चलो आप पंडित जी, फोटो वीडियो हो जाएगी मना। हाँ पंडित जी, गेट पर खड़ा हूँ, ये अपने जागेश्वर मंदिर जी का जो गेट है उसमें बाहर मना है बिल्कुल। कहाँ हो आप पंडित जी? बाबा के दर्शन प्राप्त हो गए, फाइनली प्रसाद भी प्राप्त कर लिया। अनु आ जा, प्रसाद वगैरह प्राप्त हो गया भाई को। इधर एक नदी है, उधर चल रहे हैं थोड़ा सा। आजा आजा, एक मिनट आजा भाई, फिर चल रहे हैं वापस। इन वादियों में बाबा के घर के पास में ही है एक ये नदी। सावन में बाबा के दरबार आने का मेन मोटिव यही था कि भाई सावन है, पहला सोमवार है, और ये लाइफ में पहला स्टेप लिया है हम लोगों ने, या मैंने स्पेशली, और फर्स्ट टाइम पहला स्टेप इसलिए लिया कि भाई सावन है, बाबा का दरबार है, मत्था टेक के आएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी भलाई होगा, मतलब यहाँ पे आओगे तो फिर सुकून ही मिलेगा आपको, भलाई होगा। हाँ भाई, तो फाइनली बाबा के दर्शन हो गए हैं और उसके बाद में हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए फटाफट से, बोले कि उसके बाद निकलते हैं घर के लिए फटाफट से। भोले की दोबारा आएंगे बाबा, थैंक यू। बाकी जाते जाते एक बार ये चेक कर लें आप, ठीक है बाबा भाई। और ये कुछ भैया लोग पोज दे रहे हैं, ये प्यारे प्यारे पोज दे रहे हैं भैया लोग, कितने प्यारे प्यारे पोज दे रहे हैं। बस आज की ये वीडियो में इतना ही, और आज की ये वीडियो इधर ही फिनिश करते हैं, और मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना। और क्या सच था उस मंदिर का, क्या सच है, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की है, जितना हमें मिला है नॉलेज मिली है। और आज की ये वीडियो के लिए इतना ही, दर्शन हो गए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितना ज़्यादा हो सका हमने एक्सप्लोर करा चीज़ें, हमने भैया लोगों से पूछा जो वहाँ पुजारी थे, जिससे हम लोगों ने पूछा क्या है मंदिर का राज, सच कितना पुराना है मंदिर, सब कुछ उसमें बताया।
और आज का ये वीडियो इधर ही फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक स्वस्थ मस्त खुद खाते पीते रहो और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। भाई एक बार चेक कर ले रहे हैं पूरी पूरी और अभी फटाफट से होते हैं रेडी, चेकआउट भी मारना है, तुरंत निकलते हैं घर के लिए। अगर आपके रुकने का मन होगा तो रुकते रहेंगे, बाकी नहीं तो चलते सीधे घर के लिए। और टेक केयर सब लोग, अब निकलते हैं घर के लिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। देखो जाते जाते एक बार ये और चेक कर लो आप, ये बुक कैलाशों के वासी पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की नारी पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर के मठ में बैठी पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। जा रे जा। सो फाइनली दोस्तों इस जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया फिलहाल, और अभी निकलते हैं यहाँ से। घर जाएंगे या कहीं रुकेंगे वो आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, चेकआउट करने का टाइम आ गया। और वैसे ना भी करते अगर रुकते, लेकिन बस बाबा के दर्शन करने थे वो हो गए। सावन के महीने फर्स्ट सोमवार को पहली बार ही मैंने स्टेप लिया था, वो हो गया सक्सेसफुल। और अभी फटाफट से चेकआउट मारते हैं और निकलते हैं। कुछ ऐसा हमारा रूम था, बढ़िया सही सुविधा दी भैया ने। अगर कोई भी जोगेश्वर आ रहा है ना तो मुझे फ़ोन करके आए, मैं आपके बजट में सारा काम करवा दूंगा, विद खाने पीने रहने से लेकर सब कुछ। एक बार आओ तो भाई कॉल करके आना, नंबर तो होगा ना मेरा आपके पास, नहीं होगा देन मैसेज मी और ऑडियो जंगल।